कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपकी दुआ से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो अभी है आज मतलब 28वां रोजा है। तो आज मैं और मेरी बेटी जा रहे मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि कल बहुत बिजी दिन रहेगा। कल तो चांद रात की सारी तैयारी करना रहेगा, मेरे को कुकिंग करना रहेगा, तो मेरे पास तो कल बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा लगाने के लिए। तो जो टाइम है आज ही है, तो मैं सोच रही हूँ आज लगा लूँ ताकि कल की मैं, अब देखो फैमिली बच्चे सब है, रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, तो इसलिए मैं बोली लाओ आज मेहंदी लगा। तो मैं जा रही हूँ मेरी दोस्त से मेहंदी लगवाने। तो आप लोग तो अब यहीं से ब्लॉग में बने रहिए। ओके मेरे प्यारे सोहर जी मुझे छोड़ने ले जा रहे, सलाम कर लो जान। इतने दिन से इनसे सलाम नहीं करवाई थी, दीदा सलाम कर लो ऐसा, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमारे मुंबई का, कब से घर से निकली हूँ। ये ब्रिज ना बहुत ही ज्यादा प्यारी है, 2 मिनट में पहुंचा देती है नहीं नई वाली। ना मैं बचपन में यहाँ पे रह चुकी हूँ, बचपन मेरा गुजरा हुआ है, ये बचपन का एरिया, हम यहाँ पे खेलते आते थे। तब ये देखिए इतनी गंदी हो गई ये बिल्डिंग है। मेरा घर उस साइड था, अब यहाँ मेरी दोस्त का घर है, यहाँ पे उतार दो। यहाँ हम लोग पूरा गली गली चप्पा चप्पा घूमते रहते थे। खुद आधे 2-3 घंटे के लिए जा रहे, बोलते मेरे को छोड़ के जा रही हो, अपनी बेटी को प्यार कर रहे। उधर जाओगी पा दो मेरे को, फिर पा दे दो जल्दी से आओ। रख कर 6 माला छोड़ना है अभी, बाप रे। छोड़ते छोड़ते हालत खराब रोजे में। कुछ बंदी की हिम्मत नहीं समझो रे पापा। मेरी जान को मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। देखो मेरी जान पहले मेहंदी लगवा रही है मम्मा से पहले। जिसके घर में लड़कियां उनको पता होगा कि लड़की होने का कितना वो कितना शौक है। माशाल्लाह मेरी बेटी को ज्यादा भारा मत लगा पापा इसको, और सुला देंगी इसको। हाँ किसकी बेटी इतनी प्यार से बैठ के मेहंदी का शौक है रे माँ कसम। मेरी जान धड़कन कलेजा फेफड़ा सब है ये। आपका हाथ दिखाओ माशाल्लाह। रीता का हाथ इधर घूमो, इस तरफ घूमो। हाँ दिखाओ हाथ वीडियो में। ये शाबाश, अब हो गया। रीता जींस खुल गई, इधर आओ इधर आओ, अभी हो गया। खाला को बोलो बांध देगी। हिंदी अच्छी है, अच्छी है। अब बैठ जाओ ठीक है, मम्मा लगा लेती है। यहाँ पे मेरे पैर की मेहंदी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए आप लोग मेरी दोस्त कैसा लगा रही है, आप लोग को दिखा देती हूँ। अल्लाह से देखो मेरी फ्रेंड ने कितना अच्छा मेहंदी लगा दी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और मेरी रीता को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो सोच रही है कि मतलब मुझे भी देखो कैसा रो रही है, अब मैं इसको पकड़ नहीं सकती। ये लगा चुकी फिर भी ऐसा नाटक कर रही लड़की, अभी लगाई ना खाला आपको। और आप लोग बताना कमेंट में मेरी मेहंदी कैसी लगी। अभी मैं थोड़ा इंस्टा के लिए शूट कर रही थी, तब तक मैं हाथ में लगवा के फिर मिलती हूँ। महारानी साहिब को मेहंदी लगाने का शौक है, और शौक तो है बहुत। मैंने पैर में लगा ली हूँ, तो क्या इनको भी पैर में ही चाहिए मेहंदी। अब बेचारी पैर में लगाते बैठी है, हूँ करी मुँह तो देखो। ए अल्लाह से देखो मेरी दोस्त कितना प्यारा मेहंदी लगाई है, इतना अच्छा लग रहा है, सामने सूख रहा है, बहुत ही प्यारा लगा। थैंक यू, हंस रही है देख रहे हो, बोल रही मेरा मत दिखाना, मैं तुम्हारा वीडियो नहीं ली बेटा। पर अच्छा लग रहा है ना पापा, देखो अच्छा लग रहा है।
और रीता को देखो मेहंदी वेहंदी उजाड़ के मस्त में मेहंदी के लिए। रीता पैर की मेहंदी दिखाओ, छुड़ा दिए अयान। अभी ये हाथ का हो गया, अभी एक हाथ का बाकी है। यहाँ पर देख लीजिए, देखो मेरे फ्रेंड्स ने पूरा अच्छे से मेहंदी लगा दी मेरे हाथ में, ये देखिए पैर में। और लगाते लगाते कितना बज गया बाबा, 6:15 बज गया। और इतना टाइम लगाया क्योंकि ये मैडम ना मेहंदी नहीं लगाती तो इनका हाथ नहीं बैठा रहता ना, इसके वजह से ना इन्हें मेरे को मेहंदी लगाते लगाते इतना हाथ मतलब थक गई बेचारी पूरा हाथ पे। अच्छा लग रहा है ना, आप लोग बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। और अभी जा रहे हैं अफ्तारी करने, वहाँ इसके पापा ने अफ्तारी लाए, दिखा वहाँ पे अफ्तारी लेकर आए। अब जा रहे हैं अफ्तारी की तैयारी करने क्योंकि 6 बज गया, तो चलिए अफ्तारी के टाइम पे मिलते हैं। घर का एरिया देखो, हम कितनी माशाल्लाह रौनक सी लगी है, पूरा भीड़ लगी है देखो। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले बहुत मतलब एंजॉय करते थे, अभी शर्म आने लगी है हमारे इधर ब्लॉग बनाने के लिए। हम यहाँ पे मुंह छुपा के, कोई भी मिल जाएगा पहचान के तो बात करने में टाइम पास हो जाएगा, इसलिए मैं मास्क लगा ली हूँ। और पापा को तो वैसे भी पहचानेंगे, यहीं रहती तो उसको कोई बुलाएगा नहीं, पर मुझे देखेंगे तो बुलाएंगे ना, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं आती ना। था रोबजा में बनाने के लिए शरबत के, दूध नहीं था तो वही हम लोग दूध नीचे आए थे लेने के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए इतनी भीड़ है कि पुलिस को भी आना पड़ता है इधर की पुलिस के सब लोग सेटअप करने के लिए। अभी आप लोग को बता देती हूँ मेरे स्टाइल का फालूदा, ये जैसे जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ये वाला। और यहाँ पे मेरी दोस्त है जो वो इसको कूट रही है काजू बादाम, इसमें पिस्ता भी डाल देंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, वो क्रंची जब आएगा पीने के टाइम पे। तो इसको कूट ले और कूट पापा इसको, हम इसको इसमें डाल देंगे खोल के अच्छी तरीके से। ये हमारे मुंबई में मिलता है, बाहर साइड में पता नहीं कहाँ कहाँ मिलता होगा, आप लोग बताना है कहाँ कहाँ मिलता है, किस जगह तक जहाँ तक ये वीडियो जाती मतलब जाएगी वहाँ जो जो देखे तो बताना ये कहाँ कहाँ तक ये वाला फालूदा मिलता है। यहाँ मुंबई में तो बहुत मिलता है ना पापा। यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये देखिए मैंने इस तरीके से निकाल लिया। अभी दूध भी डाल पापा इसमें फाड़ के, पंखे का आवाज़ बहुत आएगा वीडियो में डालेंगे। इसमें आप पानी नहीं डालना, अगर दूध पानी से इतना टेस्टी नहीं लगता, दूध से जितना टेस्टी लगेगा देख लीजिए। ये तो दूध ही डालने पे इसका इतना रुतबा चेंज हो गया। काजू बादाम है उसको कूटे हैं, इसमें डाल डाल पापा। अब रूअफजा डाल, आज मेरी दोस्त मैं शूट कर रही हूँ, मेरी दोस्त बना रही है रेसिपी, बोलती तेरे स्टाइल का बनाना। और जो आइसक्रीम था वो कहाँ है, ढक्कर में डाल के क्यों डाल रही है, इसे डाल सीधा ला में डालती हूँ। ये रेसिपी के लिए हंस रही है, उसको हंसी आ रही है। अरे पापा ये ढक्कन से डालती है क्या, वो ढक्कन में 10 साल लग जाएगा तेरे को डालते। खोवा वाला मलाई वाला है ना, मलाई वाला आइसक्रीम है, और हम लोग वैसा वाला ढूंढ रहे थे तो मिला नहीं यहाँ पे, तो ये 10 रुपये का मिल जाएगा कोई भी आइसक्रीम की दुकान पे, तो ये भी हम डाल देंगे। आप कोई भी आइसक्रीम डाल सकते हो थोड़ा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। ये देखिए आज आप लोग से कुछ नहीं कर सकी तो मैं यही कर सकती, मेरी दोस्त सब कुछ रेडीमेड मंगाई है क्योंकि वो मेरे को मेहंदी लगाते लगाते उसको हो गया टाइम, तो सब कुछ रेडीमेड लेके आई है। ये देखिए यहाँ पे तो गाइस अभी हमारा हो गया अफ्तारी वगैरह करके सब कुछ हम लोग कर लिए। अब हम जा रहे थोड़ा मार्केट, लड़कियों को जब तक ईद आ नहीं जाता जब तक कुछ ना कुछ घटा ही रहता, तो वैसे ही हमारा भी घटा ही है, तो वही लेने जा रहे देखने देखने क्या थोड़ा एंजॉय करने जा रहे ना मार्केट। इसको भी थोड़ा कुछ लेना है, मुझे भी चुटपुट कुछ लेना है थोड़ा बहुत, और लेकर फिर आते हैं। पहले हम लोग जब छोटे थे पापा तो अपन दोनों जन अपन दोनों क्या सब लोग हम लोग पूरे रात रात चांद रात के मार्केट में रहते थे ना, जाते थे यहाँ से 11 12 बजे नहीं, और आते थे घर पे 4 बजे।
पूरा मार्केट में बस हम लोग घूमते रहते थे और 500 रुपये में बहुत सारा चीज़ मिल जाता था ना, अब नहीं मिलेगा, वो दिन नहीं आएगा। तो चलो फिर मार्केट में, और रिक्शा भी नहीं मिल रहा, हम लोग पैदल ही चल रहे ना। अभी इस टाइम रिक्शा जल्दी मिल, रिक्शा इधर इधर भी रिक्शा कुछ तो। इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पर, पहले यहाँ पर जमीन था ना बाबा, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, देखो यहाँ पे इस तरीके से लगा दिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा ना। थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ पहले कुछ भी नहीं था बाबा। पेड़ है बाबा, हम लोग आज इधर भटक गए, देखो अब जाने का रास्ता नहीं है और अंकल बताए भी नहीं, मत जा। ये देखो इधर खोद दिया, किधर से जाएंगे, अच्छा इधर है, इस पे पैर रख के इस पे जाएंगे। और अंकल से हम लोग पूछा, अंकल जाए, बोलता हाँ जाओ। हम लोग आ रहे थे, वो अंकल ने बोले यहाँ से जाने का रास्ता है, बट आने का जगह ही नहीं, अभी हम लोग इस पे चढ़ गए। कुर्ला की भीड़ दिखा रही हूँ, देख लो कितनी भीड़ है, बाप रे सांस लेने की जगह नहीं, यहीं से रिक्शे की, रिक्शा ही नहीं दिख रहा कहीं पे। ये देखो यहाँ पे तो अभी एंट्री भी नहीं किया, अंदर अंदर गए तो वीडियो भी बना पाऊंगी कि नहीं पता नहीं ना, किसी मेले से कम नहीं है, नहीं बाप रे बहुत ज़्यादा रस है और हम लोग बहुत सारा थक गए, यहाँ पे सब सामान ले लिए, ये देखिए यहाँ पे और अब हम बैठ गए कुछ समोसा खाने, और क्या खाएगी तू, स्प्राइट पिएगी वो, और बस यहाँ से ये करके हम निकल गए, आ गया स्प्राइट और मेरा समोसा, स्प्राइट आ गया समोसा। यहाँ पे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने सब अपना घर सजाने का सब सामान ले आई थी, थोड़ा 100 रुपये का 6 दे रहा था, और यहाँ पे मैंने रीदा के लिए बंगड़े ली हूँ, पहली ईद दूसरी ईद के लिए, और मैं अपने लिए लिपस्टिक ली हूँ, और यहाँ पे मैंने चारोली ली हूँ और पिस्ता ली हूँ, यही नहीं था मेरे पास थोड़ा, और मैं सेमई ली हूँ, और मैं इसलिए ब्लॉग पे आके फटाफट यहाँ पे आप लोग को दिखा के मैं ब्लॉग एंड करना चाहती थी, क्योंकि मेरे को कल सुबह मतलब चांद रात के दिन बहुत काम रहेगा, सब कुछ मुझे अकेला रेडी करना रहेगा, सब घर भी सफाना, घर भी रखना, बच्चों को देखना, बच्चों का कपड़ा निकालना, ईद की नमाज रहेगी, सब कुछ घाई रहेगा, तो मैं बोली ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा हेडेक कम हो जाए, थोड़ा मेरे को टेंशन कम हो जाए, नहीं तो ये ब्लॉग जाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने खोवा ली थी और मेरे को इंस्टाग्राम पे कहा गया था, तो मैं यहाँ से एक छुरी भी लाई थी, और यहाँ पे मैंने एक पेन ली थी 150 रुपये का, वो भी ले आई थी, और यहाँ 200 रुपये की मैंने एक सेमई ले ली थी। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।